अलहमदल्ला वसला वसलाम वसोल्ला वाल आल वबी व वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कुरान करीम के बारे में हम जब दावा करते हैं कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है तो क्या वाकई कोई लॉजिकल रीज़न्स हैं हमारे पास कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि वाकई क़ुर करीम अल्लाह का कलाम है सिर्फ़ दावा नहीं या सिर्फ़ कुरान की आयतें नहीं बल्कि मनत दलाइल भी हों लॉजिकल रीज़न्स भी हों जो साबित कर सकें कि कुर करीम वाकई अल्लाह का कलाम है इसको हम जानेंगे तो कुरान की अदमत झलकेगी और हमें इन पॉइंट्स को याद करना चाहिए अपने समाज में लोगों को बताना चाहिए आसपास के लोगों से शेयर करना चाहिए और जो भाई गैर मुस्लिम हैं उनसे भी ये बातें शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये किताब सिर्फ़ हमारी नहीं सारी इंसानियत की है सारे इंसानों सिन की किताब है कुरान अल्लाह का कलाम है इसकी सबसे पहली दलील है ये है कि ये क़ुरान उतरा किस पर नबी उम्मी पर अलैहि वसल्लम पर क़ुरान चालीस साल की उम्र में उतरना शुरू हुआ इससे पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी जब इस नुक्ते पर गौर करेंगे तो आपको दो बातें मालूम होंगी पहली बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे यानी ना आपको पढ़ना आता था ना आपको लिखना आता था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत हुई कि आखिरी पैगाम के लिए ऐसे नबी का चॉइस किया जाए जिसको न पढ़ना आता हो न लिखना आता हो कि ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले लोग या उनके ज़माने के लोग ही ये कहने लगें कि हो ना हो इन्होंने ही ये कलाम बनाया हो अल्लाह ने अ सरअबूत आयत नंबर 48 में यही बात कही وما كنت वमाकुन من कबल ही मिन किताबिन वला तो बेमीनिकरताबलमुबिल कि ए नबी आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे ये बात आपकी कौम को मालूम थी उन्हीं के बीच आप परवान चढ़े थे आपको जानते थे कि आप न पढ़ना जानते हैं और नहीं लिखना जानते हैं वला तो भी हुमीनिक और नहीं अपने हाथ से कुछ लिखते थे अगर ऐसा होता तो ये बातिल परस्त शक में पढ़ सकते थे अल्लाह की चाहत हुई कि आखिरी किताब के लिए जो सारी इंसानियत की क़्यामत के दिन तक रहनुमाई करने वाली किताब ठहरेगी इस किताब के लिए ऐसे नबी का चॉइस किया जाए जिसको ना पढ़ना आता हो ना लिखना आता हो ये पहली हकीकत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलती है दूसरी हकीकत यह है कि आपकी ज़िंदगी में ये बात बिल्कुल नुमाया थी क्लियर थी कि आप अपनी कौम में अल अमीन के लकब से पुकारे गए यानी आपके अंदर ऐसी सच्चाई थी ऐसी अमानत दारी थी कि आपकी कौम के लोगों ने आपको अस्सादिक अल अमीन का खिताब दे रखा था आप मोहम्मद नाम से पुकारने की बजाय अल अमीन नाम से पुकारते थे अब आप सोच सकते हैं एक आम इंसान सोच सकता है कि क्या ऐसे इंसान के बारे में तसुर किया जा सकता है जो लोगों के बीच अल अमीन के लकब से मरूफ हो जिसको ना पढ़ना आता हो न लिखना आता हो अपनी तरफ से कोई बात बना कर अल्लाह पर झूठ बांध दे ये बात समझ से वाला तर है ये पहली हकीक़त है अगर इस हकीकत को ध्यान में रखते हैं तो समझ में आ जाता है कि कुरान वाकई अल्लाह का कलाम है कुरान अल्लाह का कलाम है इसकी दूसरी दलील ये है कि अल्लाह ने क़ुरान का उसलूब ऐसा रखा है कि तमाम जिनों इन से मिल कर भी इसके जैसे बनाना चाहें तो नहीं बना सकते मेरे भाइयों इसी को हम मुआजा कहते हैं अल्लाह ताला ने तम्बिया कराम को इंसानों की हिदायत और रहबरी के लिए भेजा तो उनको जो बहुत सारी खूबियाँ दी थी उनमें एक खूबी ये थी कि उनको मुआजात से नवाजा था और मुआजात हर नबी की कौम में जिस चीज़ का ज़्यादा चलन था उसी चलन के अतबार से नबियों को दिए गए चुनानचे हजरत मसा आर सलासम के ज़माने में जादू का चलन था चुनानचे मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए गए इसी कबील के थे लाठी फेंकते हैं सांप का रूप धारण कर लेती है समुंदर में लाठी मारते हैं समुंदर में रास्ता बन जाता है पत्थर पर लाठी मारते हैं बारह चश्मे उबल आते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में मेडिकल साइंस का गलबा था तिब का गलबा था चुनानचे अल्लाह ताला ने हज़रतलाम को इसी कबील का मुआवज़ा दिया था कि मुर्दे के बदन पर हाथ फेरते हैं तो अल्लाह की इजाजत से मुर्दा जिंदा हो जाता है मदरजात अंधे और कोरही के बदन पर हाथ फेरते हैं तो उसका बदन ठीक हो जाता है उसकी आँख ठीक हो जाती है परिंदा बनाते हैं और उसमें फूँक मारते हैं परिंदा उड़ने लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फसाहत व बलागत के इमाम थे लोग अनपढ़ होते थे लेकिन फ़साहत और बलागत के आला मेार पर होते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी कौम के बीच अल्लाह के नबी वसल्लम को भेजा तो आपको बहुत सारे मुजजात से नवाजा आपका मुजजा ये भी था कि आपकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है और भी बहुत सारे मुजजात थे ये सारे मुजजात ख़त्म हो गए लेकिन एक मुजजा ऐसा है जिसको हम जिंदा मुजजा कहते हैं ये मुजजा कुरान करीम की शक्ल में आज बाकी है ये कुराना है मुजजा कैसे है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का उसलूब ऐसा रखा है कि इसको हर इंसान आसानी से याद कर सकता है आसानी से इसकी तालीमात पर अमल कर सकता है इस किताब को आसानी से पढ़ सकता है लेकिन इस किताब के उसलूब में बड़े से बड़े अरबी के जानकार भी एक आयत ही बना करके पेश नहीं कर सकते यही यहीजा है यही चैलेंज है सारी इंसानियत के लिए तमाम जिनों इंस के लिए कुरान का ये चैलेंज उस वक्त था तमाम जिनों इंस को आज है और क़्यामत के दिन तक रहेगा कुरान ने क्या चैलेंज दिया शुरत तूर आयत नंबर चौंतीस में अल्लाह ने फरमाया था फलिया तो बदीत मित इनकान सदकिन अगर ये सच्चे हैं तो कुरान करीम के जैसी कोई किताब ला कर गए दिखा दें उनका दावा वाकई सही साबित हो जाएगा कुरान झूठा साबित हो जाएगा अलैहि वसल्लम को तो पढ़ना और लिखना भी नहीं आता है और वो फसाहत व बलागत के इमाम हैं अकेले नहीं सब मिल कर के ऐसा करके दिखा दें जब इसमें आज आ गए तो अल्लाह ताला ने दूसरा चैलेंज दिया सुरहुद आयत नंबर तेरह में अल्लाह ने फरमाया फ़तू बेअर सवार मथली उसके जैसे बनाई हुई दस सूरतें ही ला दें अगर उसके जैसे कुरान नहीं ला सकते तो दस सूरह ही ला करके दिखा दें जब उससे भी आजिज़ आ गए तो अल्लाह ताला ने सूरा बकरा आयत नंबर तेईस में बयान फरमाया फू बे में मिथली ही उसके जैसे एक सूरह ही बना लाओ कुरान करीम की छोटी सी छोटी सूरह के जैसे कोई सूरह ही ले आओ जब उससे भी आजिज़ आ गए तो अल्लाह ने तमाम जिनों इंस को चैलेंज करते हुए कहा सुराली सरा आयत नंबर एटी एट कुल इनिच तमागते इंस व जिन अलां यातू बिम्हल हादल कुरान लायेतून बिम्हल ही वलो कान बाग्हम लेबादी नदहिरा आप कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और कुल जिन्नात मिलकर भी कुरान के जैसे लाना चाहें तो सब के सब मिल जाएं कोशिश करें फिर भी उनके लिए लाना मुमकिन नहीं अगरचे सब के सब एक दूसरे के मददगार क्यों ना बन जाएं, ये चैलेंज था क़ुरान का किन के लिए दुनिया के तमाम जिनों इंस के लिए बिल अरब के फसहा और बलगा के लिए जो ज़बान पर फख्र करते थे अपनी ज़बान दानी के सामने दूसरों को एजमी यानी गूंगा समझते थे मकसूद ये था कि वो ज़बान के इमाम समझे जाते हैं तो कुरने करीम के जैसे कोशिश करके दिखा दें अगर एक सुरह ही बना देंगे तो कुरान का चैलेंज झूठा साबित हो जाएगा लेकिन तारीख़ गवाह है कि उस वक्त से लेकर आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ जो क़ुरान करीम के उसलूब में एक लाइन ही बना करके पेश कर दे दुनिया ने कोशिशें की, लेकिन जब उन्हीं लोगों की कोशिशें उन्हीं के जैसे शुर् के सामने आई तो उनके ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये कहाँ से बचकाना कलाम लेकर के आए कहाँ क़ुरान का उसलूब और कहाँ तुम्हारा बचकाना कलाम तारीख़ में एक नाम अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा का आता है जो अरबी ज़बान का नाम और अदीब था कुछ लोग इस्लाम दुश्मनी में वक्त के अदीब और शायर अब्दुल्ला बिन मुफ़ा के पास पहुँचे और कुरान के मुकाबला में दूसरा कुरान लिखने की गुजारिश की अब्दुल्ला बिन मुफ़ा दो शर्तों पर तैयार हुआ पहली शर्त ये कि एक साल की मोहलत दी जाए और दूसरी शर्त ये कि बिल्कुल यकसुई की जगह का इंतजाम किया जाए चुनानचे आबादी के बाहर उसके लिए ख़ीमा लगा दिया गया और अब्दुल्ला बिन मुक़फ़ा ने काम शुरू किया छः महीने के बाद जब लोग ख़ीमे के पास पहुँचे ताकि देखें कि अब्दुल्ला बिन मुक़फ़ा ने क्या काम किया है तो उनको क्या देखते हैं कि वो कागज़ का टुकड़ा लेता है उस पर कुछ लिखता है और फिर देर तक लिखने के बाद पढ़ने के बाद उसे फाड़ देता है ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा जब वक्त के अरकान ख़ीमा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कागज़ों के अंबार परे हुए हैं कागज़ों के ढेर परे हुए हैं इबन अमकफ़ा ने अपनी आज़ी का इधार करते हुए नहायत हसरत से कहा था कि अभी तो पहला जुमला ही ना बन सका है तो मेरे भाइयों ये कलाम रब का कलाम है अल्लाह का कलाम है इसलिए सारी इंसानियत भी इसके कलाम के जैसे लाने की कोशिश करे तो नहीं ला सकती यही मुजजा जिंदा मुजज़ा सारी इंसानियत को कुरान की सच्चाई समझाने के लिए काफ़ी है अगर हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो दुनिया वालों को अगर यही सच्चाई समझा दें उनके लिए क़ुरान की सदाकत पर कुरान की सच्चाई पर ईमान लाने के लिए यही मुजज़ा काफ़ी है